नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। इटली में G7 शिखर सम्मेलन शुरू हो गया है। कल इटली पहुंचे पीएम मोदी आज G7 के आउटरीच सत्र में हिस्सा लेने जा रहे हैं। मेजबान इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने विशेष आमंत्रण पर पीएम मोदी इटली पहुंचे हैं। आपको बता दें कि सम्मेलन के अलावा वह इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी मुलाकात संभव है। यह यात्रा पीएम मोदी को शिखर सम्मेलन में मौजूद अन्य वैश्विक नेताओं के साथ भारत और ग्लोबल साउथ के लिए अहम मुद्दों पर बातचीत करने का अवसर प्रदान करेगी। G7 संगठन के सदस्य देशों की बात करें तो इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान और फ्रांस के साथ ही यूरोपीय यूनियन भी शामिल है। इस मौके पर G8 और G20 के पूर्व इटालियन शेरपा और राजदूत जेपीएरो मासोलो जोर देकर कहा कि भारत एक प्रमुख देश और एक विशाल लोकतंत्र है। हर कोई इसे एक स्थिर कारक के रूप में गिनता है क्योंकि ग्लोबल साउथ में इसकी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। पीएम मोदी के अलावा मेलोनी ने, आपको बता दें कि अल्जीरियाई राष्ट्रपति अब्देल मजदीद तैबोने, केन्याई राष्ट्रपति विलियम रूटो और ट्यूनिशियाई राष्ट्रपति कैस सईद को भी आमंत्रित किया है। यह सभी इटली के विकास पर बात करेंगे। अन्य अतिथियों में ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा और तुर्की के राष्ट्रपति रेचप तैयब अर्दोआन शामिल हैं। आपको बता दें कि इटली के ये रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने एक बयान में कहा था कि प्रधानमंत्री मेलोनी के निमंत्रण पर मैं 14 जून को G7 आउटरीच शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली के अपुलिया क्षेत्र का दौरा करने जा रहा हूं। मुझे खुशी है कि लगातार तीसरे कार्यकाल में मेरी पहली यात्रा G7 शिखर सम्मेलन के लिए इटली की है। आउटरीच सत्र में चर्चा के दौरान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऊर्जा, अफ्रीका और भूमध्य सागर पर फोकस किया जाएगा। इटली में G7 शिखर सम्मेलन में पहुंचे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह हमारे सबसे करीबी भागीदारों की बैठक है। सम्मेलन का अधिकांश हिस्सा यूक्रेन की रक्षा और आर्थिक लचीलेपन को समर्पित होगा। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी रहेंगे। सो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट इज एन इम्पॉर्टेंट विजिट एंड फर्स्टली इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्राइम मिनिस्टर टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन वन ऑफ द ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स। It also marks continuity because he had participated in the G7 summit last year. It gives an opportunity to the Prime Minister to also follow up on some of the key issues that we had in the G20 presidency, which he had chaired last year. And it's an invitation to Prime Minister from the Italian Prime Minister. And India has been selected as a partner for the G7 summit. In fact, if I'm not mistaken, India is the only Asian country to be selected as a partner. So it is an opportunity also to speak on some of the issues which are very important to the global south. So issues like food security, energy, clean technologies, AI and other aspects, they will definitely be an important agenda item here for the Prime Minister to share his views and thoughts. Age and stature have risen in the global world order with Modi ji as Prime Minister. Like Kaikeyi's jealousy, Congress party is jealous and envious of how India is marching majestically on the international stage with Modi ji at the helm. We can understand why the Congress party is flustered and why they are, you know, ranting and rambling in frustration, because they inherently have an inferiority complex with two things. One, when it comes to Narendra Modi ji, they are completely, you know, they don't know how to handle his leadership and they have an inferiority complex. Second thing, I think probably the history of the Congress fiascos and fumblings in foreign policy, beginning with Nehru's 1962 war or Indira Gandhi's Kachativu or Manmohan Singh ji's Sarmal Sheikh, these fiascos are playing in their mind. This G7 summit is the first visit of our Prime Minister Modi ji after his
taken office for a historic third term. Also very significant because it is happening after the spectacular success of the G20 summit under India's presidency. And this is also the invitation and participation of India as an international recognition and acknowledgement into our role as a global leader, which India has been playing under Modi ji. We should, you know, after Modi ji has, taken over in the last 10 years, let us see how he has redefined the global south and in the global world order. It was under India's presidency in the G20 that 55 nations of the African Union became a permanent member of the G20, and which is very historic. And Modi ji has ensured that the voice of the global south is heard and it matters. Also, Modi ji and India's role in playing, in building, forging consensus over contentious issues, has been noted. One can, recall his historic statement in the joint session of the U.S. Congress where Modi ji said, this is not an era of war, but it is one of dialogue and diplomacy, which was applauded by, foreign nations and world leaders, and probably they felt this was the way forward. I'm a former diplomat. I was a Sherpa of G8 at that time and G20. And I was also in Italy national coordinator of national intelligence. G7 is an impressive gathering of Western democracies, but this time it's not just a gathering of Western democracies, it's a gathering that tries to involve most part of the international community, by the way, including also India. What we expect? Well, first of all, global crises, a way of coordinating positions in order to smooth transition, energy transition, in order to smooth technology transition, and to try to show unity in a very deep crisis, which is represented by Ukraine, by Russian invasion of Ukraine. And so it's a way of coordinating, it's a way of, of trying to bring closer positions of the international community of the main issues. For Italy in particular, we attach a lot of importance to issues like Africa, development, bridging the gap. और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर करुणी सिंह जी हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, साथ ही संदीप चौधरी जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत संदीप जी के साथ करेंगे। संदीप जी, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी इटली पहुंच चुके हैं और जॉर्जिया मेलोनी ने उनका नमस्ते के साथ स्वागत किया। उनका इटली जाना कितना खास मानते हैं आप? देखिए, बिल्कुल तरीके से G7 इटली में होने जा रहा है और उन कंट्रीज में इंडिया को शामिल किया गया और इंडिया को इनविटेशन आया और इस इनविटेशन पर देश के प्रधानमंत्री जो तीसरी बार शपथ ले चुके हैं वो इटली पहुंच चुके हैं और इसमें भी कोई छुपा हुआ नहीं है कि जो इटली की प्रधानमंत्री है जॉर्जिया मेलोनी, उनसे उनकी काफी अच्छी बॉन्डिंग है, काफी अच्छी नजदीकियां हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लिए ये रिश्ता, ये रिलेशन दोनों कंट्री के लिए बहुत अच्छा है और जिस तरीके से अब G7 में दूसरे देश शामिल हो रहे हैं उन सब के साथ भी अपना एक नए सिरे से नया रिश्ता डेवलप करने के लिए जो कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और पहला दौरा है, तो मैं मानता हूं कि हर एंगल से देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर हिंदुस्तान के लिए फायदे का सौदा है। ठीक है करुणी जी, आवाज आ रही है आपको? जी करुणी जी, यूक्रेन युद्ध की बात करें तो लगातार तीसरा साल चल रहा है और इस समय G7 इटली में हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहां पहुंचे हुए हैं। क्या माना जाए कि जो यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है, क्या उसमें भी कोई कुछ ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही से युद्ध रुक जाए वहां पर? देखिए ऐसा है, यूक्रेन को लेके जी अभी स्विट्जरलैंड में पीस समिट भी हो रहा है जी, तो यूक्रेन का इशू मेनली तो उस पीस समिट में होगा जी और जिसमें बहुत से देशों को इनवाइट किया गया है जी, रशिया को भी इनवाइट करने का था, रशिया साइड पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं जी, वो 15-16 को अभी पीस समिट है स्विट्जरलैंड में, तो G7 है ये विकसित देशों का एक समूह है और प्राइमरीली इसका पर्पज है वो विकासात्मक है जी, जो राजनीतिक मुद्दे हैं, जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनमें प्रत्यक्ष रूप से इसकी भूमिका नहीं होती,
लेकिन पहले का जो G7 समिट हुए हैं उनमें भी भारत को बुलाया है, भारत के साथ और ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, साउथ कोरिया है और बहुत से देशों को बुलाते हैं। भारत को नेटो में भी इनवाइट किया, तो नेटो को भारत एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन मानता है, इसलिए नाटो में नहीं जाता है भारत। लेकिन G7 में निरंतर रूप से जब भी भारत को बुलाते हैं समिट में भाग लेता है, लेकिन जो विकासात्मक मुद्दे होते हैं जॉइंट कम्युनिटी में उसमें तो भारत सहमति जताता है, लेकिन जो विवादास्पद मुद्दे हैं उनमें भारत अपनी सहमति नहीं देता है। तो अगर G7 में यूक्रेन के युद्ध को लेके या इजराइल और हमास के मामले को लेके किसी पक्ष के बारे में कुछ कहा जाएगा तो मुझे लगता है कि भारत उसमें सहमति नहीं देगा किसी भी रूप में। और जो विकास संबंधी मुद्दे हैं, व्यापार को बढ़ाना, दुनिया में विकास करना, क्लाइमेट चेंज है और बहुत से मुद्दे हैं जिन पे जो जॉइंट कम्युनिटी में रखेंगे उनका भारत निश्चित रूप से सहमति देगा, भारत उनके उनके साथ होगा। लेकिन यूक्रेन का युद्ध ऐसी जटिल स्थिति में है, उसमें भारत मुझे नहीं लगता कि रशिया को कंडेम करने का अगर कोई प्रस्ताव आता है रशिया के अगेंस्ट में तो भारत निश्चित रूप से उसका समर्थन नहीं करेगा। तो भारत की पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भारत को कंफ्यूजन नहीं है। तो भारत जो भी अंतर्राष्ट्रीय मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है उनको दुनिया के विकास का साधन बनाना चाहता है और भारत का महत्व और बढ़ जाता है जब ग्लोबल साउथ का नेतृत्व भारत करता है, क्योंकि जो 7 देश हैं वो ग्लोबल साउथ का नेतृत्व नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एक ब्रिज मेकिंग का काम भारत कर सकता है, जो ग्लोबल साउथ का हित है या ग्लोबल साउथ की एस्पिरेशन हैं, वो जो विकसित देश हैं उनका संगठन है, वहाँ पे भारत उठा सकता है और उनको कन्विंस कर सकता है कि आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं ग्लोबल साउथ के लिए, वो जिम्मेदारियां आप निभाइए, क्लाइमेट चेंज को लेकर भी आपकी जिम्मेदारियां हैं, वो जिम्मेदारियां निभाइए। तो भारत उस हिसाब से बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है G7 में भारत का जाना। लेकिन भारत जो मिलिट्री से संबंधित मुद्दे हैं या विवादास्पद मुद्दे हैं, युद्ध संबंधी मुद्दे हैं, उनमें भारत सामान्यतः अगर शांति की अपील करेंगे वहां तक भारत सहमत होगा। अगर किसी भी पार्टी को कंटेम करने का मामला आएगा तो निश्चित रूप से भारत कहीं सहमत नहीं होगा, भारत किसी भी इस मुद्दे पे सहमति नहीं देगा। तो मुझे नहीं लगता कि G7 में जो मुद्दे उठेंगे उनमें सब में भारत सहमत होगा, लेकिन भारत की बात निश्चित रूप से सुनी जाएगी क्योंकि भारत ग्लोबल साउथ को इस समय नेतृत्व दे रहा है। जी सर, ठीक है। संदीप चौधरी जी, देखिए G7 में प्रधानमंत्री मोदी का जाना तीसरे कार्यकाल के शुरुआत में ही चले गए हैं, अगर राजनीतिक मायनों में देखें तो कितना खास है? देखिए, राजनीतिक मायनों से अगर हम देखते हैं तो मुझे लगता है कि मोदी जी के जो इमेज है उसको बिल्ड करने के लिए, हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान की रिप्रेजेंटेशन के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप उन राष्ट्र में, इसमें कुछ विकसित राष्ट्र भी शामिल हो रहे हैं, कुछ विकासशील देश भी हैं, उनके बीच में अगर आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं तो दुनिया के कुछ चुनिंदा जो लीडरशिप है उनके बीच में आपकी उपस्थिति दर्ज होती है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऐसे जब आपकी सबमिट में शामिल होते हैं तो आप के रिश्ते अच्छे होते हैं, आप कई मुद्दों पर खुल के बात कर सकते हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आप भी घिर सकते हो, क्योंकि जिस तरीके से कनाडा के साथ हमारा मामला हुआ, जिस तरीके से अमेरिका पन्नू वाले मामले को उठा सकता है, या कुछ और इश्यूज भी हैं, उनके लिए भी हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि किस तरीके से इन चीजों को हमें हैंडल करना है। ठीक है, करुणी जी आपसे समझेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए कि प्रधानमंत्री मोदी G7 में शामिल होने के लिए इटली पहुंचे हुए हैं, लेकिन अगर बात करें कि जो कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पर युद्ध जैसी हालात बने हुए हैं, क्या वो देश भारत की तरफ देख रहे हैं कि अगर भारत वहां पर गया तो हो सकता है कोई सॉल्यूशन वहां पर निकले? निश्चित रूप से देखिए, पूरी दुनिया की नजर भारत पे है कि भारत विश्व शांति के लिए क्या भूमिका निभा रहा है और क्या निभा सकता है, क्योंकि परंपरागत रूप से भारत की रही है वो शांति की रही है। उससे बहुत पहले भारत जब चीन युद्ध का था उस समय भी भारत नॉन अलायंस की पॉलिसी लेके आया था, किसी के संलग्न नहीं था,
जो सही चीज था उसका समर्थन करता था। तो आज जिस तरह का दुनिया फ्रेगमेंटेड है, इजराइल हमास है या यूक्रेन है या साउथ चाइना सी में ताइवान को लेके हालात बिगड़ रहे हैं, तो इस तरह के हालात में निश्चित रूप से दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और मुझे इसमें एक चीज लगती है कि जो G7 का ज्वाइंट कम्युनिकेशन होगा, संयुक्त वक्तव्य होगा, वो तो होगा ही, इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय रूप से वहाँ के विकसित देशों के नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। मेरे ख्याल से वो और ज्यादा महत्वपूर्ण होगी भारत के लिए भी और दुनिया के लिए भी। भारत अपनी बात जो विकसित देश हैं उनके सामने रखेगा, और जो ग्लोबल साउथ का पक्ष है, विकास से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित या दूसरी जो उनकी एस्पिरेशन हैं, उनको लेके व्यक्तिगत रूप से द्विपक्षीय बातचीत में निश्चित रूप से भारत उठाएगा। और जैसा कि अभी संजीव जी ने कहा कि पन्नू का मामला है, आतंकवाद का मामला है, इस तरह के मुद्दे भी निश्चित रूप से द्विपक्षीय बातचीत में उठ सकते हैं। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि G7 में इस तरह का कोई मुद्दा उठेगा, लेकिन द्विपक्षीय बातचीत होगी तो निश्चित रूप से ये मुद्दे उठेंगे। और भारत अपनी जो स्वयं की एस्पिरेशन है वो भी, और ग्लोबल साउथ की जो एस्पिरेशन है और विकास की जो आकांक्षा है, उसको निश्चित रूप से भारत उठाएगा। तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है वो भारत के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय 1-to-1 जब वहाँ के विकसित देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बातचीत करेंगे, वो कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। जो प्रत्यक्ष रूप से G7 का पार्ट नहीं है जी, लेकिन उससे भारत और जो विकसित देश हैं उनके बीच एक समझ विकसित होगी, और भारत विकसित देशों को भी ये मनवाने का प्रयास करेगा कि जिस तरह में अशांति जिस तरह फैल रही है, आतंकवाद फैल रहा है, पूरी दुनिया को खतरा है, वार के मुहाने पे दुनिया खड़ी है, हो सकता है वर्ल्ड वार की तरफ चला जाए। अब दुनिया को बताने की जिम्मेदारी हम सब की है। भारत ये नहीं कहेगा कि केवल आपकी है, किसी देशों को, भारत ये कहेगा हम सब की जिम्मेदारी है तो दुनिया को इस हालात से बचाएं, न कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते रहें, और जो युद्ध में युद्धरत देश हैं उनमें किसी एक को कंडेम नहीं करके, और जो सही है उसका पक्ष लेके हम शांति के लिए सब मिलकर प्रयास करें, तो भारत सामूहिक प्रयासों से बलतेगा और ये द्विपक्षीय वार्ता में मुझे लगता है ज्यादा उभर कर सामने आएगा। और एक अन्य बात है, वो इटली के साथ भारत के और चीन के दोनों के बहुत अच्छे संबंध है। यूरोपियन कंट्रीज में इटली भारत में चाइना के भी बहुत नजदीक है और भारत के भी बहुत नजदीक है, तो इस रूप में हो सकता है कि इटली में जिस तरह का परिवेश है उसमें भारत की बात और ज्यादा अच्छी तरह सुनी जाए, क्योंकि इटली से ऑलरेडी भारत के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। तो मुझे लगता है वो जो हमारे प्रधानमंत्री की विजिट है निश्चित रूप से सार्थक होगी, लेकिन ज्यादा सार्थक द्विपक्षीय जो बातचीत होगी उसमें होने की संभावना है। जो संयुक्त वक्तव्य होगा उसमें भारत जो विवादास्पद चीजें होंगी उसमें कहीं भी हिस्सा नहीं लेगा, भारत सहमति नहीं देगा। तो ऐसी स्थिति में भारत की फिर से एक गुडविल बनेगी कि भारत देखिए सही चीज का पक्ष लेता है, विवादास्पदों को मुद्दे हैं उनको शांति से सुलझाना चाहता है, भारत हमेशा शांति का पक्षधर है, विकास का पक्षधर है। तो ये मैसेज पूरी दुनिया के सामने भारत की तरफ से जाएगा। जी ठीक है, संदीप चौधरी जी, देखिए खबरें यह भी सामने आ रही हैं कि मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली, इसके क्या कुछ मायने निकाले जाए, कैसे देखते हैं आप? जी बिल्कुल, मेलोनी के साथ में मोदी जी की वार्ता होनी है, उनकी मीटिंग होनी है, ये पहले से तय है। और मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात है, जिस तरीके से इंडस्ट्रीज की बात है, डेवलपमेंट की बात है, तो कहीं ना कहीं इटली हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि इटली एग्रीकल्चर के फील्ड में भी बहुत आगे है और दूसरे डेवलपमेंट्स में भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सकते हैं, कोई इंडस्ट्री इंडिया के अंदर लगाई जा सकती है, क्योंकि हमारे देश में बेरोजगारी की बहुत बड़ी समस्या है। और इस बार जो तीसरा टर्म मोदी जी का रहेगा, इसमें कहीं ना कहीं किसानों को और बेरोजगारों को फोकस किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि मेलोनी के साथ मिलके या कुछ और नेताओं के साथ भी मोदी जी कब मिलेंगे और मीटिंग होगी, तो इस बार सबसे ज्यादा फोकस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का रहेगा, हिंदुस्तान के अंदर इंडस्ट्रीज लाने का रहेगा। क्योंकि पिछले 10 साल की सरकारों में हमने देखा सरकार ने काफी काम किए, लेकिन काम करने के बावजूद भी इंडस्ट्री नहीं लेकर हम आ पाए। जिस तरीके से IMT मानेस और गुड़गांव में एक बड़ी इंडस्ट्री है, आपके नोएडा में बड़ी इंडस्ट्री है, बेंगलोर में है, चेन्नई में है, चित्रकूट उत्तराखंड में है, तो इस
तरीके की एक इंडस्ट्री की जरूरत हिंदुस्तान को बहुत ज्यादा है ताकि कुछ लोगों को रोजगार दिया जा सके, हिंदुस्तान के डेवलपमेंट की बात को आगे बढ़ाया जा सके, इस विजन को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है करोड़ी जी, देखिए आपने कई मुद्दों की बात की कि ये मुद्दे वहां पर उठाए जा सकते हैं, लेकिन अगर भारत के मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से भारत से जुड़े हुए मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी वहां पर उठा सकते हैं? देखिए अभी भारत का यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड का मुद्दा बहुत एडवांस स्टेज पे है और यूरोपियन यूनियन में इटली बहुत महत्वपूर्ण देश है और जो दूसरे G7 के देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं, उनसे भी भारत के प्रधानमंत्री से बातचीत होगी। तो जो यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड का मसला है वो और आगे बढ़ेगा और मुझे लगता है इस साल हो सकता है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल हो जाए और उससे भारत के निश्चित रूप से भारत के विकास में, आर्थिक प्रगति में भारत को भी मदद मिलेगी और यूरोपियन देशों को भी भारत जैसा बड़ा बाजार मिलेगा। तो ये दोनों ही पक्षों के हित में है कि यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जिसे यूरोपियन देश भी गेन करें और भारत भी गेन करे, क्यों कोई भी लूज करने वाला नहीं है उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है कि उसको आगे बढ़ाएं जो, और दूसरा जो क्लाइमेट चेंज है उसको लेके भी भारत अपनी तरफ से बहुत प्रयास कर रहा है और भारत यूरोपियन यूनियन के जो G7 के मेंबर हैं वो आएंगे, उनको ये कहेंगे कि पूरी दुनिया है वो एक तरह के बर्बादी के मुहाने पे है, इतना क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है जो एक डिजास्टर की तरफ ले जा रहा है, तो हम सब मिलके इसके लिए प्रयास करेंगे। तो भारत सामूहिकता की बात करेगा, मिलकर एक तरह की सहमति बनाने की कोशिश करेगा। तो मुझे लगता है कि भारत के विकास में ये G7 है ये बहुत मददगार होगा, प्रत्यक्ष रूप से भी और इनडायरेक्ट रूप से, जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसमें G7 के देश जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं वो वहाँ प्रयास करेंगे और यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधि भी G7 में आ रहा है। वैसे यूरोपियन यूनियन G7 का मेंबर नहीं है क्योंकि मेंबर तो देश ही है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का प्रतिनिधि भी रहेगा। तो यूरोपियन यूनियन के जो नेता हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी मुझे लगता है भारत के अधिकारियों से बातचीत होगी और यूरोपियन यूनियन और भारत के बीच में सहयोग और अधिक बढ़ेगा और अल्टीमेटली मुझे लगता है इसी साल हो सकता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल स्टेज पे पहुंच जाए और भारत के साथ यूरोप का व्यापार और अधिक बढ़ जाए, क्योंकि यूरोप को भी व्यापार करना है, उनको भी भारत का बाजार चाहिए और भारत को भी यूरोप के जो विकास है या यूरोप में जो औद्योगिकरण है या वहाँ की टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिले। तो ये एक तरह का विन विन सिचुएशन है और इसमें मुझे लगता है कि सफलता मिलेगी और इस हिसाब से मुझे लग रहा है ये यात्रा बहुत सार्थक रहेगी। जी ठीक है संदीप चौधरी जी, देखिए जो द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है ऐसे कई से मुद्दे हैं जो उठाए जा सकते हैं, लेकिन क्या व्यापार की, भारत और इटली के बीच व्यापार का मुद्दा भी उठाया जा सकता है वहां पर? जी बिल्कुल, अगर इस तरीके की चीजें रहेंगी, देखिए डिपेंड करता है कि किस तरीके का माहौल बनता है और चीजें किस तरह कैरी फॉरवर्ड होती हैं। अगर यूक्रेन वाला मामला आता है तो उस पर भी बात होगी, अगर कोई डेवलपमेंट का मामला आता है तो उस पर भी बात होगी और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान एक अच्छा मीडिएटर हो सकता है अगर यूक्रेन वाला मामला आता है या आपका फिलिस्तीन और इसराइल वाला मामला आता है, तो हिंदुस्तान एक अच्छा मीडिएटर साबित हो सकता है और मोदी जी कहीं ना कहीं ऐसे मौके को नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हिंदुस्तान की राजनीति में ये चीजें मैटर करती हैं। अगर हिंदुस्तान मीडिएटर बनता है, मोदी जी मीडिएटर बनते हैं, तो आप यकीन मानिए हिंदुस्तान की राजनीति करवट लेगी, कहीं ना कहीं हम अपने देश में एक मैसेज देने में कामयाब हो जाएंगे कि देखिए मोदी जी हैं तो मुमकिन है और मोदी जी पूरे देश का नेतृत्व करने वाले हैं, मोदी जी ही हैं जो ऐसे एक लीडर हैं जो देश की समस्याओं, देश के अलावा दुनिया की समस्याओं का निपटारा करा सकते हैं। तो कई चीजें हैं और मोदी जी इस तरीके की चीजों को कैश करना जानते हैं। ठीक है करुणी जी, अगर वहां पर रूस और यूक्रेन का मुद्दा उठाया जाता है तो उसमें भारत की भूमिका क्या कुछ देखने को मिल सकती है? देखिए मैं इस मामले में संजीव जी से थोड़ा सा असहमति व्यक्त करता हूँ कि भारत किसी भी रूप में विवादास्पद जो मुद्दे हैं हमास और इजराइल का है या यूक्रेन और रशिया का है या साउथ चाइना सी का है, किसी में भी मध्यस्थता के लिए व्यक्तिगत रूप से भारत तैयार नहीं होगा। भारत सामूहिकता की बात करेगा कि हम सब मिलके इस समस्या का समाधान करें, मिलके हम शांति की तरफ आगे बढ़ें। मध्यस्थता की मुझे संभावना बहुत कम लग रही है क्योंकि ये
जो युद्ध वाली स्थिति है ये इतनी जटिल है कि आसानी से सुलझ नहीं, एक देश से नहीं सुलझ सकती। चाइना ने 12 पॉइंट प्रोग्राम दिया, नहीं एक्सेप्ट किया यूक्रेन ने, फिर यूक्रेन 10 पॉइंट प्रोग्राम आया वो भी नहीं किया। इटली ने पहले मध्यस्थता की तो उससे फूड ग्रेन व सप्लाई अलाउ किया। अब जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है अभी 15-16 को, तो उसमें कुछ पीस की तरफ जाने का भी मुझे संभावना बहुत कम लग रही है। तो जो सामूहिक रूप से प्रयास हो रहे हैं वो भी सफल नहीं हो रहे हैं, तो भारत मध्यस्थता से युद्ध को रोक पाएगा, मुझे इसकी बहुत कम संभावनाएं लग रही हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारत ये नेतृत्व करेगा कि हम सब मिलके काम करें और विश्व को युद्ध की जो स्थिति है उससे बचाएं। दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में जिस तरह से युद्ध हो रहे हैं इससे हमारा विकास प्रभावित हो रहा है, हमारी पूरी मानवता को खतरा उत्पन्न हो रहा है, व्यापार नहीं हो रहा है, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो रही है, तो बहुत से अप्रत्यक्ष रूप से जो युद्ध से नुकसान हो रहे हैं उन सब को उठा के भारत उन पर कंसोलिडेट करके सबसे मिलकर एक नेतृत्व देने का काम तो कर सकता है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारत किसी भी रूप में एक देश के रूप में मध्यस्थता के लिए तैयार होगा, ऐसी संभावनाएं मुझे बहुत कम लग रही हैं। ठीक है संदीप चौधरी जी, प्रधानमंत्री मोदी जी जाकर वहां पर जो भी मुद्दे उठाए जाते हैं या वह खुद उठाते हैं उसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो भारत की भूमिका पर भी कहीं अगर मुद्दा थोड़ा सा इधर से उधर हुआ तो जो भारत की जो राजनीति है उस पर भी असर देखने को मिल सकता है। आप कैसे देखते हैं जो भी भूमिका वहां पर प्रधानमंत्री जी बनाएंगे क्या उसका असर भारत की राजनीति में हो सकता है कुछ? देखिए मैं आपको बताऊं, जो अभी मेरे साथी कह रहे थे मैं इनकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूं। मेरा मध्यस्थता से मतलब ये नहीं था कि अकेले मोदी जी रूसिया का और यूक्रेन का युद्ध रुकवा सकते हैं या हमास का और जो इजराइल का मुद्दा है उसको खत्म करवा सकते हैं। लेकिन मोदी जी जो अगर इस पे चर्चा होती है तो इतना जरूर कह सकते हैं कि देखिए कमेटी बना लीजिए और उस कमेटी का नेतृत्व हम करेंगे, मतलब उस कमेटी का नेतृत्व हिंदुस्तान करेगा, उसमें आप 4-5 बड़े कंट्रीज को ले सकते हैं ताकि हम अपने देश में और दुनिया में एक मैसेज दे सकें कि अब हिंदुस्तान अमेरिका के पीछे नहीं चलने वाला है, ब्रिटेन के पीछे नहीं चलने वाला है, फ्रांस के पीछे नहीं चलने वाला है, अब हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान हो चुका है, बदलता हिंदुस्तान हो चुका है जिसके पीछे अमेरिका खड़ा होगा, जिस कमेटी की चेयरमैनशिप या जिस कमेटी की अध्यक्षता नरेंद्र मोदी करेंगे या हिंदुस्तान करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान की जो राजनीति है वो बड़ी सोची समझी राजनीति होती है। अगर हिंदुस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी को गले भी मिलाते हैं, किसी का हाथ भी पकड़ते हैं तो आपने देखा होगा उसके पीछे भी कुछ ना कुछ, आप फोटो को या वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको राजनीति होती दिखाई देगी, किसी को गले भी लगाया जाता है उसको भी आप कभी ध्यान से देखेंगे। ठीक है संदीप चौधरी जी, माफी के साथ रोकेंगे आपको, समय की कमी। संदीप चौधरी जी चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही डॉक्टर करुणी सिंह जी थे, विदेशी मामलों के जानकार थे, आपका भी धन्यवाद। मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहे एबीपी न्यूज़, नमस्कार।